तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे पदखंड। हिंदी क्लास 10th का है, पदखंड हम पूरा तरह समाप्त कर देंगे इस वीडियो में। आप लोग को 480 प्लस या 450 प्लस लाना बिल्कुल आसान है, बस आपको तरीका से पढ़ना चाहिए। अगर आप तरीका से नहीं पढ़ते हैं तो इसीलिए आपको नंबर अच्छा नहीं आता है। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इसलिए मैं आपको मतलब बहुत आभार प्रकट करता हूँ। प्लीज़ आप लोग ऐसा ज़रूर कीजिए। पता नहीं क्या हो रहा है चैनल के साथ, पता नहीं व्यू जा नहीं रहा है, अब आप लोगों की कृपा बरस नहीं रहा है। तो प्लीज़ हम आप चाहेंगे या जो दिक्कतें होता है लैंग्वेज में, भाषा में या फिर आवाज़ में, तो आप हमें ये जरूर गलतियाँ बताएँ। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे ये आपका राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने सब्जेक्टिव खुल कर आया। गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? मेरे भाई याद रखिएगा, ब्रह्मा का निवास जो होता है कहाँ होता है, तो ये प्रश्न जो है आपके 2 अंक के लिए VVI प्रश्न है इस चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर का VVI प्रश्न है तो इसको आपको देख लेना है। वाणी कब बीज के समान हो जाता है, तो ये भी इस चैप्टर का इंपोर्टेंट है। हमने शुरू में दो जो भी दिया वो सभी इंपोर्टेंट है। बाकी भी प्रश्न आपको पढ़ लेना है एक बार। बाकी चलेंगे 2 नंबर, 5 नंबर दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको देखिए काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। जो नर दुख दुख है दुख नहीं माने, ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। कविता का भावार्थ लिखना है आपको। राम नाम बिनु पद के आधार पर बताए कि कवि ने अपने धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे, तो ये बहुत अच्छा है। दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं, 5 नंबर के लिए इंपोर्टेंट है। इसी तरह के और भी प्रश्न हैं तो नीचे ये सब देख सकते, लेकिन ऊपर जो हमने बताया वो इंपोर्टेंट था सबसे अधिक। बाकी बात करेंगे अगला चैप्टर के बारे में। अगला चैप्टर अब हम लोग खोलेंगे प्रेम आइनी श्री राधिका। प्रेम आइनी श्री राधिका में हम लोग जब जाते हैं तो ये चीज पढ़ते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर में यही लघु उत्तरीय प्रश्न में रसखान किस भक्ति धारा के थे, मतलब मात्र 1 लाइन में आंसर है, तो आपको 1 लाइन में आंसर याद कर लेना है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर में भी रहता है। रसखान किस भाषा की काव्य रचना की थी, तो वज्र भाषा, याद रखिएगा रसखान जी का वज्र भाषा, ठीक है। तो इस तरह से इसे भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो है आपका 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु की कृपा से किस व्यक्ति की पहचान होती है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। हम विशेष रूप से अभी समझाने नहीं आए हैं, बस बताने आए हैं। अब आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो है यहाँ पे पहला तो इंपोर्टेंट है ही, पहला से ज़्यादा इंपोर्टेंट है। आपको नीचे आएंगे हम लोग, रसखान रचित सवैया का भावार्थ लिखे, ये जरूर इंपोर्टेंट है 5 नंबर के लिए, ठीक है। पूरा गदखंड और खदखंड मिला के 5 अंक पूछा जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर या एक ही, रसखान नेपा मालिन किन्हें और क्यों कहा है, यानी रसखान ने कहता है माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है, ये 5 नंबर के लिए और 2 नंबर के लिए, दोनों के लिए इंपोर्टेंट है। अगला चैप्टर के और हम चलेंगे अति शुद्धो स्नेह को मार गए, तीसरा पार्ट है, ठीक है। जो भी पार्ट आज खत्म हो पाएगा हम खत्म करेंगे, चैप्टर जो बच जाएगा वो अगले दिन देखें। इसमें क्या देख रहे हैं हम सब कि पहला जो है 2 नंबर का सवाल वो है कि अति शुद्धो स्नेह के मार्ग से कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाने का चाहता है। बहुत देखिए बहुत मार्मिक है और सैर इमोशनल, अगर आप इस चीज़ को समझोगे अति शुद्धो स्नेह को मार्ग, तब मन की पीड़ा और करुणा की धार के रूप में आंसू निकलते हैं और आहत मन को आनंद प्रदान करते हैं। कवि चूंकि स्वयं प्रेम और पीड़ से व्याकुल है, इसलिए दूसरे संतृप्त लोगों की पीड़ा की गहन अनुभूति उसे है, अतएव वह चाहता है कि उसके ये आंसू दुखी जनों में नवजीवन का संचार करें, ये आपका आंसर है। आंसू बानी ले बरसो सवैया का भावार्थ लिखे, ये 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर वाले में लिखा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे भी ये सब प्रश्न देखेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। दीर्घोत्तरीय में आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है ये है आपका घनानंद प्यार सुजान सुनो यह कह यहाँ एक के दूसरे आंक नहीं सौ प्रश्न व्याख्या कीजिए। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग शीर्षक सवैया से उद्धृत इस वाक्यांश में कवि घनानंद अपने प्रेम मार्ग का वर्णन कर, देखिए लव तब का प्रेम का बात है, इसे आप पढ़िएगा तो आपको इसमें समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, आपको हम वो भी बताने का प्रयास करेंगे। अगला चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे, स्वदेशी प्रेम घन द्वारा लिखा गया है, बहुत ही अच्छा है। स्वदेशी 4 पार्ट पे जाएंगे, 4 पार्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे तो इस तरह के प्रश्न आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको गैस पेपर खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है 2 नंबर के लिए, और किसी भी प्रकार का मॉडल पेपर अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो बेहतर तरह से तैयारी आपका यहाँ से हो जाएगा। स्वदेशी कविता किस बात पर दुख व्यक्त करता है, तो ये तो 1 लाइन में है, आंसर आपको याद कर लेना है। प्रेमघन आदर्श पुरुष किसे मानते हैं, 1 नंबर का है, मतलब यहाँ पर लाइन याद रखें। प्रेमघन आदर्श पुरुष भरतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं जो हिंदी के जनक है, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी का क्या है, ये हिंदी के जनक है यानी फादर ऑफ हिंदी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये पहला प्रश्न ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, ऐसे कुछ कम दिया गया है विशेष नहीं है, आपको याद हो जाना चाहिए।
उसके बाद जो आपका प्रश्न है उसके बाद भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, दास वृत्ति चाहो दिशी चरहु बिन बरन ब्रहाली करत खुशाम, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी एक बार आपको पढ़ डालना है और एक बार लिख लीजिए, लिख लीजिए सबको, आपको इम्पोर्टेंट ही है। मनोज भारती देख कोई सकत नहीं पहचान, ये भी इम्पोर्टेंट है 5 अंक के लिए, ठीक है। उन सबसे इम्पोर्टेंट ये है 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर यह जो क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये भी इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न है ऐसा है जो लग रहा है कि ये पूछेगा तो ये पूछेगा, और इस चैप्टर से अगर पूछा जाता है तो ज़्यादातर यही चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। अब हम 5 पार्ट देखेंगे जो कि लास्ट रहेगा आज के वीडियो में, तो 5 पार्ट में जो है आपको दिखाया जा रहा है, इसमें दिखाया जा रहा है भारत माता, जिसका लेखक है सुमित्रानंद पंत, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी पूरे हुआ था, 7 दिन या कुछ दिन बाद इनकी माँ चल बसी थी। चलिए इस चैप्टर को हम देखें, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है, भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, सब देखिए पुराना क्वेश्चन बन चुका है पूछते पूछते, लेकिन क्या पता पूछ दे, इसलिए 2 नंबर के लिए से याद कर लेना अति आवश्यक है। भारत का ह्रास हुआ राह ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है, ये भी 2 नंबर के लिए पहले पूछा जाता था, अभी ऐसा नहीं पूछा जाता है। कवि ने जनता को दुदमोही क्यों कहा है, देखिए तीनों प्रश्न आपको 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, चलते हैं दीर्घ उत्तरीय पर, ठीक है। सीधे दीर्घोत्तरीय में देखिए आपका पहला तो इम्पोर्टेंट है ही, और दूसरा ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है, यानी भारतीय लोगों को कैसे बता रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है अर्थ बताने वाला से है, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिर अंकित नैतमित नयन नव बाष्पाच्छादितम सप्रसंग व्याख्या करें, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पढ़ना लिखना जरूरी है एक बार क्रैश कोर्स की तरह। तो इस तरह से हमने 5 चैप्टर आपको बता दिया, सभी प्रश्नों को देख सकते हैं आप, इसको लेने के लिए गूगल पे जाइए, गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है माधव NCERT क्लासेस, आपको इस बात को सर्च कर लेना है, जब आप इस बात को सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, इस पेज पर क्या करें सिंपली आपको एक छोटा सा क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा है पेज, आप चाहे तो यहाँ पे मॉडल पेपर में जाकर के मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, अभी हम बताएंगे मॉडल पेपर, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे आने के बाद देखिए आपके नीचे मॉडल पेपर मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मैट्रिक मॉडल पेपर 2023 डाउनलोड लिंक है ना, यहाँ से आप हिंदी का कर सकते हैं भाई माधव सर के माध्यम से, यहाँ पे जो भी है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लास 10th में जाके पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th में जाकर के आप लोग आसानी से फ्री पढ़ सकते हैं, और आपका टॉपर बनने का सपना साकार होगा, कहीं से यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे जो भी विषय पढ़ना है उस विषय पर आपको क्लिक करके उसके अंदर जाके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में, तो पैसा फालतू का खर्च नहीं करना है गार्जियन का, मस्ती से पढ़िए, विशेष प्रॉब्लम हो तो आप अपने भाई को याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।